हेलो गाइज, आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टॉपर्स इन पर। तो आपको पता है कि यूपी स्कॉलरशिप से जुड़ी कोई भी अपडेट अगर आती है तो इस चैनल पर आपको सबसे तेज दिया जाता है, और आप लोगों के स्टेटस में कोई भी समस्या है, कुछ भी करेक्शन करवाना है तो इस चैनल के माध्यम से हर एक डाउट आपका सॉल्व किया जाता है। आज हम बात करने वाले हैं दो तरह के स्टेटस वालों के जो सबसे ज्यादा परेशान है, और हमें इंस्टाग्राम पर इसके स्क्रीनशॉट सबसे ज्यादा मिले हैं। तो आज हम बात करने वाले हैं मार्क्स मिसमैच वालों के, और पेंडिंग की जिनकी समस्या उन पर हम लोग बात करने वाले हैं, क्योंकि सबसे ज्यादा गलती यही छात्र करने वाले हैं, क्योंकि इनको कुछ नहीं करना है लेकिन ये फिर भी करेक्शन में गलतियां करेंगे। तो इस वीडियो को बहुत ही ध्यान से आप लोग देखिए, और ये वीडियो जो है आप अपने कॉलेज का जो भी ग्रुप है आप उस ग्रुप में इस वीडियो को जरूर शेयर करें, जिससे जिन बच्चों की ये समस्या है वो हल हो सके। ठीक है, ये आप अपना फर्ज समझिए कि हम दूसरों की हेल्प कर रहे हैं, और आप इस वीडियो को जरूर भेजें। कोई भी छात्र छात्रा इसको देख रहे तो इसका काम है कि इस वीडियो को आपको अपने अपने ग्रुप में शेयर करना है। फिलहाल हम इस पर बात करते हैं, बाकी इनके अलावा अगर आपका कोई और स्टेटस है तो उसके लिए आपको परेशान नहीं होना है, कल तक उस पर भी हम वीडियो लेकर आ जाएंगे, उसकी भी समस्या का समाधान हम आपको बता देंगे। चलिए फिलहाल हम देखते हैं आज की वीडियो में क्या इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को पहले आप सभी लोग। चलिए अब यहां पर मैं आपको बता दूं, एक स्टेटस ये वाला है जिसमें बताया गया कि एप्लीकेशन फॉर्म फॉरवर्डेड बाय इंस्टीट्यूट, इनरोलमेंट, रोल नंबर, मार्क्स नॉट मैच। देखो बहुत सारे छात्रों में सिर्फ इतना ही होगा कि उनका मार्क्स नॉट मैच दिखा रहा होगा, सिर्फ इतना ही होगा। किसी में होगा कि रोल नंबर नहीं मैच कर रहा है, किसी में होगा इनरोलमेंट नहीं मैच हो रहा है। तो इस स्टेटस में ये सारी की सारी समस्याओं से ग्रसित है ये छात्र जिनका ये स्टेटस है। फिलहाल के लिए मैं बता दूं इसमें आपको करना क्या है। अब ये दो तरीके के लोगों में ये दिखाई दे रहा है। पहला तरीका उन लोगों में है जिन लोगों में ये एक्चुअल में गलत है, यानी कि जब उन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा तो उन्होंने क्या किया कि उन्होंने गलती से अपना जो मार्क्स था, प्रीवियस ईयर का जो मार्क्स है, उन्होंने गलती से उसको डाल दिया है, या फिर कोई भी चीज गलती से उन्होंने डाटा को जो है अपलोड कर दिया। तो जिनकी गलती है उनको क्या करना है, उनको करेक्शन का पोर्टल ओपन हो चुका है, वो लोग जाकर अपना जो करेक्शन है वो यहां पर करवा सकते हैं। उनको जो है अपना करेक्शन जो है करवा लेना है बिल्कुल आराम से। जो चीज आपने गलत भरा था, आप जब करेक्शन पोर्टल ओपन करोगे तो वहां पर वो चीजें वाला कॉलम खुल जाएगा, उस कॉलम को आप वहां पर सही कर सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और उसका आप प्रिंट आउट निकाल कर आप अपने कॉलेज में जाकर जमा कर दीजिएगा, जो भी डॉक्यूमेंट्स आपके कॉलेज वाले मांगेंगे वो डॉक्यूमेंट्स आप दे दीजिएगा, और आपका जो ये प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाएगा। अब दूसरी समस्या उन छात्रों में आ रही जिनका सब कुछ सही होने के बाद भी मार्क्स नॉट मैच या कुछ भी चीजें ऐसी दिखा रही हैं। अब वो छात्र क्या करें, क्योंकि भाई उनको करेक्शन भी नहीं करना है, क्योंकि उन्होंने जब सारी चीजें बिल्कुल सही तरीके से डाल दिया है तो उनको करेक्शन करने की कोई जरूरत ही नहीं है। तो ऐसे छात्रों को क्या करना है, अगर आपका सब कुछ सही होने के बाद भी ऐसी गलतियां आ रही हैं तो आपको कुछ नहीं करना है, आप जाके अपना सारी चीजें प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए, आप अपना स्टेटस ले जाकर आप जो है कहां दे दीजिए। भाई अब ऐसा तो है नहीं कि आपका भाई अगर मार्क्स नॉट मैच दिखा रहा तो आप जाके मार्क्स बदल दोगे, भाई जो मार्क्स आपका प्रीवियस में होगा, गत वर्ष में होगा, वही तो आप वहां पर फिल किए, तो वही उसको रहने देना, और लास्ट में सबमिट करके उसका प्रिंट आउट निकालकर आप कॉलेज में जाकर जमा कर देना, और उनसे कह दीजिएगा सर मेरी कोई गलती नहीं थी और यहां पर तब भी ये स्टेटस ऐसा दिखा रहा है, आप इसको सही करवा दीजिए। आपके कॉलेज में लिस्ट आएगी, और जब कॉलेज में लिस्ट आएगी तो आप लोगों का वो सही कर देंगे, तो ये समस्या आपकी सॉल्व हो जाएगी। तो इस बारे में आप ना पूछिए ना इंस्टा पर आप मुझे इसके बारे में मैसेज करिए कि सर नॉट मैच है, नॉट मैच है, नॉट मैच है, मैं क्या करूं। मैंने इंस्टा पर देखा है बहुत सारे लोगों के कमेंट, मतलब ये आया, तो सभी को रिप्लाई करने से अच्छा था कि क्यों ना इस पर एक वीडियो बना दिया जाए जिससे लाखों छात्रों की समस्या जो है वो सॉल्व हो सके। बस आपका काम यह है कि आपको इसको अपने अपने कॉलेज के ग्रुप में शेयर कर देना है। अब बात करते हैं दूसरे स्टेटस की। यह है दूसरा स्टेटस जो कि बच्चों के दिमाग में सबसे ज्यादा सरदर्द किए हुए पिछले एक महीने से, कि सर एक महीना हो गया, 20 दिन हो गया, 25 दिन हो गया, ये पेंडिंग वाला फंडा तो समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि ये तो पेंडिंग कुछ हो ही नहीं रहा, और अगर पेंडिंग है तो जाहिर सी बात आपको ये भी नहीं पता होगा कि आप में करेक्शन क्या है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ये जो पेंडिंग की समस्या, पेंडिंग का मतलब यही है कि अभी आपका जो फॉर्म था, जो आपने स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है वो DWO से, यहां लिखा ना वेरिफिकेशन बाय डिस्ट्रिक्ट वेलफेयर ऑफिसर, ये DWO पर अभी पेंडिंग है, अभी उन्होंने आपका स्कॉलरशिप फॉर्म देखा ही नहीं है। तो जब उन्होंने स्कॉलरशिप का फॉर्म ही नहीं देखा तो उनको पता ही नहीं होगा आपका करेक्शन क्या है, तो अभी वो आपका पेंडिंग है, और पेंडिंग के लिए आपको कुछ करेक्शन नहीं करना कि नहीं बैठ के तुम समस्या का समाधान करने लगो और बैठ के करेक्शन करने लगो कि इसलिए पेंडिंग है कि मैंने जो है नाम मैंने गलत लिख दिया या कुछ भी, क्योंकि लोग क्या करते हैं कि वो सही वाला भी गलत कर देते हैं, जैसे उनको लगता है कि 500 पूर्णांक की जगह पर अगर 600 पूर्णांक रखेंगे तो हमारा पेंडिंग का समस्या मतलब सॉल्व हो जाएगा, ऐसा करोगे ना तो गलत हो जाएगा आपका, रिजेक्ट रिजेक्ट हो जाएगा फॉर्म। तो पेंडिंग की समस्या के लिए आपको वेट करना होगा, भले ही आप एक महीने से वेट कर रहे हो और अभी तक आपकी समस्या नहीं सॉल्व हुई है तो और वेट कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं। वैसे ये जो समस्या है वो आपकी एक से दो दिन के अंदर जो मुझे इंफॉर्मेशन मिल रही आपकी सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। बाकी नहीं सॉल्व होगी तो कोई दिक्कत नहीं, हम तो हैं ही ना, चैनल को सब्सक्राइब किए ही होंगे, जो भी इंफॉर्मेशन होगी मैं आपको बता ही दूंगा, ठीक है। तो फिलहाल इसके ये जिनका पेंडिंग है उनको वेट करना होगा। बाकी अगर किसी का और स्टेटस है, कुछ और समस्या है, तो इंस्टाग्राम के लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी है, आप तुरंत जाइए इंस्टा पर मुझे फॉलो करिए और अपना स्क्रीनशॉट फटाक से आप वहां पर भेज दीजिए। अगर मैं आपको वहां रिप्लाई नहीं भी कर पाऊंगा तो कोई दिक्कत नहीं, मैं उसको लेकर के मैं वीडियो अलग से आऊंगा, ये मेरा वादा है आप लोगों से, ठीक है। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, अपने अपने ग्रुप में
कॉलेज के ग्रुप में जरूर वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए।